सॉल्यूशन। ठीक है, ये अब हम इलेवेंथ वाला कर रहे हैं, फोर्थ का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म ए टू ए स्क्वायर, थर्ड टर्म ए थ्री ए की पावर थ्री, फोर्थ टर्म ए फोर ए की पावर फोर। ठीक है, तो इसको चेक करना है पहले हमें, तो चेक किस तरह करेंगे हम देखिए। नाउ ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू और ए फोर माइनस ए थ्री, इस तरह लिख लेंगे। अब देखो ए टू माइनस ए वन, ए टू है टू ए स्क्वायर है, माइनस ए वन ए है, तो यहाँ पे इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन मान सकते हैं, इसमें कोई पावर नहीं लिखी तो वन मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ए की पावर टू, देखो बेस सेम है, ठीक है, इस तरह का कोई लॉ है, इन टू में है वो, तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इस तरह तो नहीं हो रहा है। फिर ए स्क्वायर और यहाँ पे पावर अलग अलग है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ए कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस वन, यहाँ से ए ऐसे रहने दो। अब देखो दूसरा क्या है, फिर ए की पावर थ्री में से ए की पावर थ्री माइनस ए की पावर टू आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर यहाँ से गया तो एक ए बचेगा, माइनस वन बचेगा। फिर यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे देखिए ए फोर कितना है, ए की पावर फोर है माइनस ए की पावर थ्री, तो यहाँ पे देखिए ए की पावर थ्री कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा ए की पावर थ्री गया तो ए माइनस यहाँ पे वन। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन ए पी, क्योंकि ये सेम नहीं है, इसीलिए ए पी के फॉर्म में नहीं है।